बच्चों वेलकम। बच्चों कल हमने आपको दोषों के बारे में बता रहे थे, निकटदर्शी दोष दूरदर्शी दोष के बारे में बताया था। उसके बाद जो जरा दूरदर्शिता मानव नेत्र में जरा दूरदर्शिता क्या होती है कि मानव नेत्र की संजन क्षमता कम हो जाने के कारण निकट बिंदु दूर हो जाता है, और जो तो ऐसे दोष को हम जो है जरा दूरदर्शिता कहते हैं। तो क्या कारण बताया, मानव नेत्र की संजन क्षमता कम हो जाने से कारण निकट बिंदु दूर हो जाता है, इस दोष को हम जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ठीक। अब अबिंदुता वह दोष होता है कि जिसमें एक ही दूरी पर रखी वस्तु क्षैतिज ऊर्ध्वाधर को फोकस नहीं हो पाती है। एक वस्तु एक ही दूरी पर रखी है, कुछ क्षैतिज रखी है ऊर्ध्वाधर रखी है, लेकिन वो एक बिंदु पर फोकस नहीं होती, ऐसे दोष को हम अबिंदुता कहते हैं। तो अबिंदुता जो आपने समझ लिया, अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है दर्शन कोण, ये अलग है। अबिंदुता आपके दोष चार प्रकार के हो गए, चारों प्रकार के दोषों को बता दिया। दूसरा है दर्शन कोण। दर्शन कोण क्या है, जब कोई वस्तु आँख पर अपना जितना कोण बनाती है उसे हम दर्शन कोण कहते हैं। जब कोई वस्तु आँख पर जितना कोण बनाती है उसे दर्शन कोण कहते हैं। आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण तथा वस्तु के द्वारा बना दर्शन कोण के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं, m = β/α। तो क्या बताया कि प्रकाशिक यंत्र के द्वारा प्रतिबिंब से बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं, m = β/α। तो इस तरीके से आपका ये हुआ। और इसके बाद अब इसमें चलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, ऐसे प्रकाशिक यंत्र सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, ऐसे प्रकाशिक यंत्र जो निकट की सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तथा प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनता है, जिसे हम वस्तु बड़ी दिखाई देती है, ऐसे यंत्र को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो क्या बताया, ऐसा प्रकाशीय यंत्र जो निकट की सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनता है, जिससे वस्तु इस पर दिखाई देती है, और ऐसे यंत्र को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब इसकी रचना होती है, रचना क्या है, रचना में इसमें क्या होते हैं, इसमें धातु की बेलनाकार नली होती है, इसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी का लेंस तथा दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का लेंस लगा होता है, और इसके फोकस क्रॉस तार पर लगा होता है। इसका संबंध दंतुर्धन चक्र से करते हैं। समायोजन में नेत्रिका लेंस को आगे पीछे खिसका कर क्रॉस तार को स्पर्श देखते हैं, और वस्तु का प्रतिबिंब स्पर्श देखते हैं। तो जब हम क्रॉस तार पर रखते हैं तो वस्तु का स्पर्श हमें दिखाई देता है। तो इसमें जो है नेत्रिका लेंस को आगे पीछे खिसकाकर क्रॉस तार को स्पष्ट देखते हैं और वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट देख सकते हैं, है? तो वस्तु के प्रतिबिंब को हम आराम से स्पष्ट देख सकते हैं। और इसमें जो हम स्पष्ट देखते हैं, इस प्रकार जो प्रतिबिंब हमारा देख सकते हैं, इसमें सकते और जोड़ दो, देख सकते हैं, इस पर देख सकते हैं, इस तरीके से। अब हम आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इसका हमारा।
ठीक है। आगे जो इस अभय प्रतिबिंब का बनना, माना सूक्ष्म वस्तु ए बी एलओ से यू नॉट दूरी पर रखी है, इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है, जो यह एल ई लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और एल ई के द्वारा ए डैश बी डैश का बड़ा आवासीय सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, यहाँ पर हमने ये बनाया है कि हमने एक बेलनाकार नल ली, आगे वाला भाग छोटी फोकस दूरी का होता है जो इसके सामने वस्तु रखी होती है, और इसके दो किरणें आती हैं, एक तो ये जाती है इसके पैरेलल होती है ये, और जो फोकस से होकर जाती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है वो सीधी निकल जाती है। जहाँ पर ये बनती है ये इमेज बनती है ए डैश बी डैश, ये इमेज बनती है एलो लेंस के द्वारा और एली लेंस के लिए वस्तु कार्य करती है। ये जो दूरी जुड़ी ही होती है, एक किरण ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है, ये दो किरणें इस पर गिरते हैं लेंस से और ये फोकस होती है आई पर, आई लेंस तो फोकस होती है, और फिर वापस पीछे हटती हैं, और जहाँ पर ये मिलती है ए डबल डैश बी डबल डैश, हमारा आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है और ये लेंस नेत्र का लेंस से डी सेंटीमीटर दूरी पर होता है। ठीक, अब इसमें आते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता हम जानते हैं कि टेन बीटा जो होती है ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश होता है, और इसको हम क्योंकि इसका द्वारक छोटा होता है इसलिए बी टेन हट जाता है, तो बी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू ई हो जाता है। और इसी प्रकार से हम टेन अल्फ़ा का लेते हैं, टेन अल्फ़ा जो हमारा एंगल होता है ए बी अपॉन डी, और ए बी क्या होती है हमारी यू नॉट होती है, और डी हमारा प्रतिबिंब की दूरी होती है डी। तो अब हम आवर्धन क्षमता निकालते हैं, आवर्धन क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा होता है, तो बीटा की वैल्यू रख देंगे, अल्फा की वैल्यू रखेंगे, जो ये दोनों इनको एक साथ ले लेंगे, ये वी नॉट और यू नॉट, ए नॉट ए डैश बी डैश वी नॉट, ए बी हमारा यू नॉट हो गया, डी की वैल्यू डी, और ई ए डैश को कहते हैं यू, जो हमने डायग्राम में बताया। ठीक, अब ये हमारी आवर्धन क्षमता निकले। अब हम ये देखते हैं, जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बनता है तो नेत्रिका लेंस V इजकल टू माइनस डी और U इजकल टू यू ई, एफ इजकल टू एफ ई, तो हमने फोकल लेंथ का फॉर्मूला रख दी, इसमें D अपॉन U इजकल टू वन प्लस डी अपॉन ई हो गया, ये वैल्यू इन दोनों वैल्यू एक साथ रख देंगे तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एम डी इजकल टू वी नॉट माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट वन प्लस डी अपॉन एफ ई होगी। इसमें लेंथ कितनी होगी, लंबाई, अगर लंबाई नापेंगे तो कितनी होगी, वी नॉट प्लस यू ई। ये तो हुई जब प्रतिबिंब हमारा न्यूनतम दूरी पर बनता है, और यदि हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो जो वस्तु दूरी होती है वो फोकस दूरी के बराबर हो जाती है, तो आवर्धन क्षमता एम अनंत पर जो होती है माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई आ जाती है, यहाँ यू ई की जगह हम एफ ई लगा देते हैं। ठीक है, और इस स्थिति में जो अनंत की जो लंबाई होती है वी नॉट प्लस एफ ई होती है। अब ये आपका सही सूक्ष्मदर्शी पूरा हो गया, इसे अच्छी तरह तैयार करना, इसे प्रैक्टिस करना और इसे आपको याद करना। ओके, इसके बाद यथा समय कल स्टार्ट होगा।